नमस्कार, टाइम्स ऑन अब भारत देख रहे हैं आप। मैं प्रीति नेगी आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फोर का फायर में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। तो अर्ली प्राइम टाइम के सुपर हिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और इस समय जो देश में पॉलिटिकल इकोसिस्टम बन रहा है, उसमें सारे के सारे विपक्षी दल किस तरीके से तमाम येन केन प्रकरण करना चाहते हैं ताकि मोदी को हराया जाए। लेकिन विपक्षी मोर्चे को मंजिल तभी मिलेगी जब एकजुटता होगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जो कल तक विपक्ष को एकजुट करने में अगुआ माने जाते थे, वो समझ गए, यानी कि नीतीश कुमार की हम बात करें, वही मोर्चे के कामकाज और रवैये पर अब सवाल उठा रहे हैं। पूरी क्या खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा सियासत के कुछ और भी खबरें होंगी। मराठा आंदोलन का पूरा अपडेट भी आपके सामने होगा। इसके साथ ही रामनगरी अयोध्या में आखिर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं, वो भी आपको बताएंगे। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग का 27वां दिन है और ऐसे में अब ये युद्ध और भी ज्यादा भयानक हो गया है। इसराइल की आर्मी ने गाजा पर जमीनी हमले और तेज कर दिए हैं। इसराइल के तोप गाजा के बाहरी इलाकों में आग उगल रहे। हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह भी किया जा रहा है। इसराइल के हमले में गाजा पट्टी में करीब 9,000 लोगों की जान जा चुकी है। जबकि अगर हमास की बात करें तो यहां पर हमास के हमले में इसराइल के 14 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गाजा में एक्शन का वीडियो खुद इसराइली सेना ने जारी किया है और जो तस्वीरें सामने आई है वो भी दिखाएंगे। गाजा में इसराइल की गर्जना। इसराइल हमास के आतंकियों से ले रहा है एक एक हिसाब। नेतन्याहू के योद्धाओं ने पहले आकाश से किया अटैक और अब जमीन से मचा रहे हैं कोहराम। तोपों से दनादन गोली की बारिश हो रही है। बटन दबाते ही हमास के ठिकाने तबाह हो रहे। नेतन्याहू के जवानों का पारा हाई है। हमास के आतंकियों ने इसराइल में घुसकर हजारों बेगुनाहों का लहू बहाया था। इजरायली सेना अब उनके मान में घुसकर हमास को निस्तनाबूद करने में जुटे हैं। गाजा के इलाकों में इजरायली ट्रूपर जमीनी अटैक कर रहे हैं। इजरायल के तोप जहां बारूद उगल रहे हैं तो वहीं बुलडोजर से इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। गाजा में इजरायली सैनिकों के घुसने से आतंकियों में खलबली मची है। इसराइल ने हमास को मिटाने के लिए ऐसी चक्रव्यूह रची है कि आतंकियों का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भोजन, पानी, ईंधन और अन्य आपूर्ति बंद होने से हमास के आतंकी बेमौत मारे जा रहे हैं। गाजा में हमास के खिलाफ ग्राउंड एक्शन के इस वीडियो को इसराइल आर्मी ने जारी किया है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि इसराइली डिफेंस फोर्स के ट्रूपर्स तबाही मचाते हुए तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है क्योंकि आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, हालांकि वो नहीं हुए। और ऐसे में क्योंकि वो रैली में गए तो रैली में केजरीवाल ने जेल जाने की बात कही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब नतीजे आएंगे तो पता नहीं मैं कहां रहूंगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। जैसे दिल्ली के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, जैसे पंजाब के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, ऐसे ही आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोग भी चमत्कार करके दिखाएंगे। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में हूंगा कि मैं बाहर हूंगा। और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। मोर और लेस समझिए कि वो सिलेक्शन नहीं है, वो इलेक्शन है। जिस सौगत राय का इलेक्शन हुआ 2 घंटे के अंदर, और जहां की पूरा का पूरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर जो है दर्शन हीरा नंदानी चलाता है नोएडा में, जिसके लिए कि राजीव चंद्रशेखर ने आपको ध्यान हो कि ट्वीट भी किया कि मंत्री हो जब मैं था तो ये उस डाटा प्रोटेक्शन के लिए दबाव बनाने के लिए पॉलिसी चेंज करने के लिए दर्शन हीरा नंदानी मेरे पास मिलने के लिए आया, उसने दबाव बनाया। इस महिला ने इतना दबाव बनाया कि सौगत राय को 2 घंटे के अंदर उस डाटा प्रोटेक्शन कमेटी से, जो कि लोकसभा के द्वारा इलेक्टेड कमेटी थी, उससे इस्तीफा देना पड़ा। इससे बड़ा उदाहरण जो है और क्या हो सकता है? क्या आपका रीजन है कि सौगत राय इतने सीनियर हैं उसको हटा के जो है आप मेंबर बनिए? इसका मतलब यह है कि दर्शन हीरा नंदानी को आप मदद करना चाहते थे। उसी तरह से उसने कहा कि 61 में से हम सांसद हैं, हम पूछते हैं कि हमारे यहाँ रेल आया कि नहीं, रोड आया कि नहीं, हमारे यहाँ हॉस्पिटल आएगा कि नहीं, हमारे यहाँ स्कूल आएगा कि नहीं, हमारे यहाँ पानी आएगा कि नहीं। मैक्सिमम जो यदि मैंने सवाल 400-500 पूछे होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें 99% सवाल जो है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के होंगे या मेरे राज्य के होंगे। सभी सांसद यही पूछते हैं।
एक तो 61 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से 50 क्वेश्चन आपके ऊपर आरोप था कि आपने दर्शन हीरानंदानी के बिजनेस को मदद करने के लिए दिया। अब जो रिपोर्ट आई है, साधु संत भी बिहार में जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। बगा में जगत गुरु राम भद्राचार्य ने इसे हिंदुओं को बांटने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि जो राम और कृष्ण की बात करेगा वो ही भारत पर राज करेगा। राम कथा प्रवचन के दौरान राम भद्राचार्य ने बिहार सरकार को क्या सलाह दी, सुनिए। बिहार में जातिगत जनगणना का काफी विरोध हुआ था, मामला न्यायालय की दहलीज तक पहुंचा, लेकिन राज्य सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही। लेकिन अब तो साधु संत भी कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को बांटने वाला फैसला है। बिहार के बगहा में जगतगुरु राम भद्राचार्य ने जातिगत जनगणना को लेकर तीखा हमला बोला। कथा वाचन के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का नाम लेकर इस जनगणना को गलत बताया। राम भद्राचार्य ने कहा कि इन्हें अब कौन समझाए कि ऐसा घिनौना काम ना करें जिससे हिंदू बटे। जो राम और कृष्ण की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि लोग जातिगत राजनीति कर रहे हैं लेकिन उन्हें वोट नहीं मिलेगा। प्रवचन के दौरान तुलसी पीठाधीश्वर का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि राम भद्राचार्य अपनी 9 दिवसीय यात्रा पर चंपारण के रामनगर में हैं। उनके प्रवचन में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि 27 राजनीतिक दल इंडिया अलायंस बनकर साथ में आए हैं, वो सभी परिवारवादी हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद वर्षों तक राम मंदिर निर्माण को रोक दिया, आज जनता ने पीएम मोदी को दूसरी बार चुना। 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे। गृह मंत्री ने लोगों से अपील की है कि पहले रामलला के दर्शन करने जाएं। राज्य के सीएम मनोहर लाल भी कार्यक्रम के दौरान उनके साथ। हम सब देश भर के लोग सालों से राह देखते थे, मांग भी करते थे और प्रभु प्रार्थना भी करते थे कि 550 साल से अपमानित अवस्था में बैठे हुए राम लल्ला को अपना भव्य मंदिर मिल जाए। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था समय पर? एक कांग्रेस पार्टी ने आजादी के इतने सालों तक राम मंदिर को लटकाकर, भटकाकर, अटकाकर रखा। हरियाणा वालों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी करने वाले। और अब बात चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी और कांग्रेस के लिए काफी कुछ दांव पर है। जी हां, बीजेपी यहां पर 5 सालों बाद सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस भूपेश बघेल के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने की रणनीति पर काम में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में इस बार लड़ाई दिलचस्प है। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद पिछले चुनाव में बीजेपी को राज्य की सत्ता गंवानी पड़ी थी, लेकिन इस बार बीजेपी सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। ये दावा कोई और नहीं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सबसे बड़े नेता कर रहे हैं। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हर बार की तरह रमन सिंह ने इस बार भी राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां वो जीत का चौका लगाने के उतरे हैं। रमन सिंह ने कहा कि जनता खुद ही कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर देगी। जन घोषणा पत्र के किए गए वादे का क्रियान्वयन करने में असफल रही है कांग्रेस सरकार। दूसरा, विकास को पूरी तरीके से 5 साल में ठप कर दिया है। और तीसरा, करप्शन, 15,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला इस सरकार ने किया हुआ।
बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में किसी नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया है। रमन सिंह का मानना है कि जीत के बाद एक घंटे में विधायक दल के नेता का चुनाव हो जाएगा। अभी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और रिजल्ट आने के बाद बैठकर तय करते हैं, विधायक दल तय करता है और विधायक दल का नेता तय हो जाता है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज रही बीजेपी इस बार कांग्रेस को पटखनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जनता क्या फैसला करती है इसका पता तो 3 दिसंबर को ही चलेगा।